कोशिश करी तो बस चलाने के वजह से और हमें रोका, हमें जाने नहीं दिया आगे। इस इलाके में शांति है पूरी तरह, देख सकते हैं जीवन पटरी पर लाने की पूरी कोशिश है, सारे प्रयास हैं दिल्ली पुलिस और जो एसएसपी है सीआईएसएफ है उनके सारे प्रयास यहाँ दिखाई दे रहे हैं सफलतापूर्वक कि जनजीवन आम हो चुका है, लोगों का धीरे धीरे बाहर निकलना एनएसए के आने के बाद शुरू हो गया है। एनएसए अजीत डोभाल ने जैसा कहा था कि शांति बनाए रखें, फिलहाल ये तस्वीरें सिलमपुर से, हकीकत आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। सिलमपुर में पूरी तरह शांति है, शाम के 7:30 बज चुके हैं, 26 फरवरी का दिन है, सभी लोग अपने घरों में हैं और सड़कें सन्नाटा और इक्का दुक्का वाहन आते जाते दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह की अफरा तफरी नहीं दिखाई दे रही है। एक बड़ा तूफान, एक इतना बड़ा उपद्रव मचने के बाद जब यहाँ पर शांति दिखाई दे रही है तो इसमें एनएसए की, दिल्ली पुलिस की, सीआईएसएफ और एसएसपी की को जो मिली सफलता है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर जब उपद्रव मचा, दंगा हुआ, तब उस वक्त कैसे भय का यहाँ पर नहीं है कुछ भी। अच्छा, सिलमपुर में सब शांति थी, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल नॉर्मल है जनजीवन, एकदम शांति है सुबह से। तो जब यहाँ एनएसए आए और उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें, सब तो पुलिस आ रही थी, सब पुलिस बोल रही थी अपने शांति रखो, अपने घरों में रहो, प्रशासन की जो क्या, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? यहाँ सब शांति, हमारे सिलमपुर में कोई है ही नहीं, सब कुछ कोई हुआ ही नहीं कुछ भी। तो प्रशासन की तरफ से जो सहयोग मिला सही है, प्रशासन एकदम कड़क थी, सब प्रशासन टाइट था, यहाँ सब कुछ शांति थी, प्रशासन अपना सही था, कुछ हुआ ही नहीं। तो शांति बनाए रखें। और मेरा नाम है त्रिलोका राम, तो यहाँ पर सब लोग सौहार्द से मिलजुल करके, सारे ही मजहब के लोग, धर्मों के लोग सब आपस में, जिस तरह से दिखाई दे रहा है और दूसरे क्षेत्रों में, करावल नगर, गोकुलपुरी में, यहाँ पर बेहतर है, पहले से बेहतर है। तो देख सकते हैं सिलमपुर का ये वो इलाका है जहाँ पर इतना बड़ा, मतलब जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली है वहाँ इतना बड़ा उपद्रव मचने के बाद सिलमपुर में शांति है और यहाँ पर सभी लोग सौहार्द से, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एनएसए के या सीएम के या गृह मंत्री के, पीएम के बार बार ये कहने के बाद कि शांति बनाए रखें, सिलमपुर में पूरी तरह से शांति दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का वाहन भी आता जाता दिखाई दे रहा है और खास बात यह है कि लोकतंत्र में सभी लोग एक साथ प्रेम के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ पर जो इतना सन्नाटा है और जो इतनी बर्बरता हुई है, जानी और माली हालात इतने ज़्यादा नुकसान हुए हैं, लोग मरे हैं, घर जले हैं, दुकानें जली हैं, पेट्रोल पंप जले हैं, मस्जिदें शहीद की गई है, सब और सब सिर्फ और सिर्फ मज़ार शहीद हुए, ये सब कपिल मिश्रा के बयानात की वजह से हुए हैं। हमारा पीसफुली जैसे आज आप देख रहे हो एकदम साइलेंट और अपनी मोहब्बत के साथ है, प्रोटेक्शन ऐसे ही हमारा जाफराबाद में बिल्कुल पीसफुली और एकदम कोई आतंक कुछ नहीं था। ये लोग जो आरएसएस के गुंडे हैं, इन लोगों ने ही ये सब चीज़ें शुरू करी और ये कपिल मिश्रा के कहने के बावजूद उन्होंने ये सब चीज़ें करी है। तो अभी जैसा यहाँ पर एनएसए आए हैं, उन्होंने विजिट किया आसपास के क्षेत्र में, अभी हम कोई बात नहीं कर सकते, हम लोग समझ सकते हैं आपकी स्थिति। अभी हाँ, धन्यवाद। पकड़ जो थी बहुत गाली गलामी थी। तो जिस वक्त यहाँ अटैक हुआ उस समय आपको कैसा, मतलब क्या डर की स्थिति थी, क्या था, कोई पुलिस ने आपको सहयोग किया किस तरह से? बहुत अच्छी सहयोग की हम लोगों की, बहुत बढ़िया से, ऐसे जवानों को सलाम करता हूँ मैं तो। जी जी जी, तो किसे जिम्मेदार मानते हैं दिल्ली की इस स्थिति का, जहाँ ये वेलकम में अभी आप हैं, क्या क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है? जिम्मेदार किसको माना जाए, किस नेता के? उपद्रव में नुकसान तो सभी का हुआ है, सारे समुदायों का, ऐसे क्या कर सकते हैं? इतना मालूम नहीं है। आप क्या करते हैं? हम तो काम करते हैं, रोजगारी है, सिलाई काम करते हैं। अच्छा, अभी अभी क्या वापस लौट रहे हैं घर जा रहे हैं? तो क्या आने जाने के लिए आपको रास्ता मिल रहा है? आने जाने का रास्ता सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, उनकी इतना रोना तड़पना, इतनी गोली, चीखे, आवाज़ें, ये सब चीज़ें, ये हमारा इतना पीसफुल था कि हम इतनी मोहब्बत से चला रहे थे इस काम को। हमने पुलिस वालों को गुलाब बांटे, उन्होंने हमारे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने गुलाब बांटे, उन लोगों ने एक्सेप्ट की ये सारी चीज़ें, और आज इतना सब कुछ होने के बाद इतनी दहशत का माहौल, इतना सब कुछ इन लोगों ने कर दिया कि भाई मैं बता नहीं पाती, मैं बता नहीं पाऊँगी आपको इतना। हम लोग अपना पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए थे क्योंकि हमें मजबूरन वहाँ पर रोका गया था, बस भी चढ़ाई गई थी, इसी वजह से हम वहाँ बैठे थे, गुस्से में थे हम लोग। उसके बाद अगले दिन जो कपिल मिश्रा जी आते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं हम पर, जो गोलियाँ बरसा जाते हैं, जहाँ हम बैठे हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे, वो मेट्रो स्टेशन तो उन्होंने रोक दिया, लेकिन उसके जो ऊपर आए हुए थे आरएसएस के गुंडे बंदूक लेकर, वो लोग ऊपर से नीचे गोलियां बरसा रहे थे हमारे ऊपर, जिसमें हमारे बहुत से भाई शहीद हुए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे भाई रजाई में छुपे बैठे, हमारे भाइयों ने गोलियां खाई हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों पर, उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। और जो कपिल मिश्रा है, ये कब तक बाहर घूमेगा, ये कब तक अपने आराम से रहेगा, इसे जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ भाइयों का नुकसान हुआ है, जिनका जिनकी जाने गई हैं, जिनके परिवारों से उनके सदस्य गए हैं, और जो जो यहाँ नुकसान हुआ है उनका भी भरपाई बीजेपी सरकार करनी चाहिए। और जो यहाँ पे हम लोग शांति से आज भी बैठे हैं और ये लोग हमें हटा रहे हैं, जो हमारे कमिश्नर है वहाँ पर आके कहते हैं आप लोग हट जाओ यहाँ से, आप अपने सीलमपुर चले जाओ, सीलमपुर में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपको वहाँ से भी नहीं हटाएंगे। हम लोग उनके कहने पर नहीं आए, लेकिन हम जो हिंसा हो रही थी, हमारे भाइयों को जो मारा जा रहा था, जो हमारे बहनों को घरों में घुस के मार रहे, जो मस्जिदों में घुस के जो भगवा झंडा ले रहा रहे, वो जो मस्जिदों में जो बच्चों को मार रहे हैं, जो जमाती द्वारा इनकी जो मुसलमान, उनको दाढ़ी पकड़ के मारा जा रहा है, उनके कपड़े उतार के चेक किया जा रहा है कि ये मुसलमान हैं कि नहीं। जो रिक्शे में जा रहे हैं हमारे भाई, उनको जबरदस्ती उनके रस्से छीन के मारा जा रहा है। और जो हमारी बहनें वहाँ से निकल आना चाहती है प्रोटेस्ट में, उनको रोका जा रहा है, उनको घरों में धमकी मिल रही है। और वो कमिश्नर साहब ये अपनी ज़ुबान पर कायम नहीं है, वो हमें यहाँ से हटाने के लिए आते हैं, उनकी कोई ज़ुबान नहीं है कमिश्नर साहब की, कि पुलिस भी उनके साथ है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, ये सरकार, बीजेपी सरकार, जो गृह मंत्री है, ये कब तक अपने गुंडों को यहाँ पर मौजूद रखेगी, और ये कब तक यहाँ पर कोहराम मचाएगी। आज दिल्ली जल रही है, आज दिल्ली इतने बुरे हालात में है कि ये हालात भी इन्हीं की वजह से हैं, बीजेपी सरकार की वजह से हैं। अगर मोदी जी इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते, क्या उनका दिल नहीं रोता?